फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स मिसेस कोहली की तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों एक बार मैं फिर हाजिर हूँ नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे आलू के परांठे। आलू के परांठे बहुत ही टेस्टी बनते हैं और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। आलू के परांठे का नाम सुनते ही मुँह में पानी आ जाता है। आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये मैंने 10 आलू लिए हैं जो जिन्हें मैंने उबाल लिया है। ये मैंने प्याज लिया है, एक बारीक बारीक काट लिया है। ये हरा धनिया, ये कसूरी मेथी और ये अदरक है जो बारीक काट लिया है मैंने। और ये हरी मिर्चें दो, इन्हें भी मैंने बारीक काट लिया है। और ये कुछ सूखे मसाले मैंने लिए हैं। ये नमक लिया है 1 चम्मच, आधा चम्मच लाल मिर्च, साबुत जीरा आधा चम्मच, भुना हुआ जीरा, अजवाइन, गरम मसाला, अनारदाना पाउडर और ये सूखा धनिया। ये सब मैंने स्टफिंग के लिए लिया है सामान। अब हम आलू को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। ये मैंने आलू को मैश कर लिया है, हाथ से ही मैश कर लिया है मैंने आलू को। अब हम एक एक करके इसमें सभी चीज़ें मिक्स कर देंगे। ये मैंने हरा धनिया डाल दिया है आलू में, प्याज भी डाल दिया है। आलू के परांठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। ये सभी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं और सभी मसाले भी मैं इसी में डाल दूँगी। ये नमक डाल दिया मैंने, लाल मिर्च पाउडर, साबुत जीरा। मैंने जीरा दोनों तरह का लिया है, साबुत जीरा भी लिया है और जीरे को रोस्ट कर 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 उसका पाउडर बनाकर भी लिया है। दोनों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये अजवाइन डाल दी मैंने, गरम मसाला, अनारदाना पाउडर और सूखा धनिया का पाउडर। इन सब मसालों को अब हम आलू में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सभी मसाले आलू में हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं और मैंने आटा पहले इकट्ठा करके पानी से रख लिया था, अब उसे भी हम देख लेंगे। ये देखिए, इसे 5 से 7 में मैंने रेस्ट के लिए रख दिया था। अब इसे हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे और इसे भी एक बाउल में निकाल लेंगे। सॉफ्ट डो हमने तैयार करना है, ज़्यादा टाइट डो नहीं होना चाहिए आलू के लिए, आलू के परांठे बनाने के लिए। अब दोनों चीज़ें हमारी बिल्कुल तैयार हैं, अब हम इसकी आलू के परांठे बनाएंगे। ये देखिए, अब एक पेड़ा लेंगे हम। ये देखिए, इस तरह से छोटा ही पेड़ा हमने लेना है क्योंकि इसमें स्टफिंग डालने से ये थोड़ा बड़ा हो जाता है पेड़ा। तो ज़्यादा बड़ा हमने पेड़ा नहीं लेना, छोटा ही लेना है पेड़ा। अब इसकी हम छोटी रोटी बेलेंगे। ये देखिए, इतनी रोटी हमने बेल के इसमें हमने आलू की स्टफिंग डाल देनी है। अब इसको इस तरह से हाथ में पकड़कर आटे को अच्छी तरह से चारों तरफ से इकट्ठा कर देना है ताकि आलू सारे अंदर अच्छी तरह से ये देखिए इस तरह से दोनों तरफ से हमें प्रेस करना है। रोटी हमारी टूटनी नहीं चाहिए। ये देखिए, अब सूखा आटा लगाकर हमने रोटी को बेलना है।
बिल्कुल हल्के हाथ से हमने रोटी को बेलना है, प्रेशर के साथ हमने रोटी को नहीं बेलना, नहीं तो रोटी हमारी टूट जाएगी। ये देखिए हमने रोटी को बेल लिया है। तवा हमारा गर्म हो चुका है, अब हम रोटी को तवे पर डाल देंगे। ये देखिए, ये तो मैंने गोल रोटी आपको दिखाई है, अब मैं ट्रायंगल शेप में आपको आलू की रोटी बनाना सिखाऊंगी। बस आलू हमारे रोटी में से बाहर नहीं निकलने चाहिए, इस तरह से हमें रोटी को अच्छी तरह से आटे के साथ कवर करना चाहिए। ये देखिए एक रोटी मैंने इस तरह से फिर बेल ली है। अब इसके एक कॉर्नर पर हमने ये आलू रखने हैं, बिल्कुल कॉर्नर पर, और उसे अच्छी तरह से फैला देना है। ये देखिए इस तरह से, और उसको दूसरी तरफ से हमने उसको कवर कर देना है। ये देखिए इस तरह से हमने कवर कर देना, और उसे तीसरा फोल्ड हमने इस तरह से कर देना है। अब इसको सूखा आटा लगाएंगे, उसको प्रेस करना अच्छी तरह से, प्रेस अच्छी तरह से करना है ताकि आलू हर जगह पर आ जाएं, और इसे धीरे धीरे हल्के हाथ से हमने रोटी को बेलना शुरू करना है। ये देखिए रोटी बहुत आसानी से हमारी शेप ले लेती है। आटा हमारा सॉफ्ट होना चाहिए, ज़्यादा टाइट आटा नहीं होना चाहिए, टाइट आटा होने की वजह से रोटी हमारी टूट जाएगी। ये देखिए ट्रायंगल शेप में भी हमने रोटी को बेल लिया है। अब तवे वाली रोटी हमारी बन रही है, फ्लेम थोड़ी स्लो थी, अब मैंने थोड़ी तेज़ कर दी है, मीडियम पे फ्लेम कर दी है। अब हम इस पर ऑयल लगाएंगे, ऑयल इस पर अच्छी तरह से लगाना चाहिए, तभी हमारा परांठा अच्छा सीख कर तैयार होगा। आप इस पर ऑयल कम भी लगा सकते हो। ये देखिए फिर ऊपर से इस तरह से इसको प्रेस करेंगे तो रोटी अच्छी तरह से हमारी पक जाएगी। दोनों तरफ से हमने इसी तरह से इसको प्रेस करना है। ये देखिए आलू का परांठा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, ये देख लीजिए। इसे हम एक साइड पर रख देंगे, अब हम दूसरा परांठा बनाएंगे ट्रायंगल शेप में, इसको भी हम तवे पर डाल देंगे। अब मैं आपको तीसरी शेप में आलू का परांठा बेल कर दिखाऊंगी। अब हम स्क्वायर शेप में आलू का परांठा बनाएंगे। ज़्यादातर लोग गोल परांठा ही बनाते हैं आलू का, पर मैं तीनों शेप में बनाती हूँ। आप भी इस तरह से कोशिश करोगे तो आपसे भी बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमने रोटी को बेल लेना है पहले। देखिए तवे वाली रोटी भी हमारी अच्छी तरह से बन रही है। अब इस स्टफिंग को हमने सेंटर में डालना है, सेंटर में डालकर थोड़ा प्रेस कर देना है इस तरह से, और एक साइड से स्टफिंग के ऊपर और दूसरी साइड से भी स्टफिंग के ऊपर इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमने स्क्वायर शेप में
परांठे को बेलना है। प्रेस से अच्छी तरह से हमने करना है ताकि आलू अच्छी तरह से चारों कॉर्नर्स में आ जाएं। ये देखिए अब सूखा आटा लगा के हमने इसको हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से बेलना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं हमने इसको बेलना, नहीं तो रोटी हमारी टूट सकती है। अब इस पर हम फिर घी लगाएंगे। ये देखिए अब इसे अच्छी तरह से हम, ये देखिए इसे थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे ताकि रोटी रोटी हमारी अच्छी तरह से सिक जाए। कहीं से भी रोटी कच्ची नहीं रहनी चाहिए, कच्ची रोटी खाने में ठीक नहीं होती। हर साइड से रोटी पकनी बहुत ज़रूरी होती है। ये देखिए ये भी हमारी ट्रायंगल शेप में भी आलू का परांठा तैयार हो गया। अब हम स्क्वायर में परांठा बनाएंगे। ये देखिए ये भी हमने बेल लिया है। अब ये भी मैं तवे पर डाल दूंगी और इसे भी अब ऐसे ही तैयार कर लेंगे। ये भी हमारी परांठा बिल्कुल तैयार हो चुका है। आलू का देखिए कितना अच्छा रोस्ट हुआ है, मेरे सारे परांठे बनकर तैयार हैं। अब मैंने इसकी प्लेटिंग कर ली है। ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी तरह से हमारे सभी परांठे तैयार हैं। आप भी इस तरह से ज़रूर घर पर बनाइए। आप इसे मक्खन के साथ, हरी चटनी के साथ, दही के साथ और अचार के साथ खा सकते हो। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन जरूर प्रेस कीजिए। फिर मिलती हूँ एक नई डिश के साथ, तब तक।